गाइस, पांच बारी की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील को क्रोशिया ने क्वार्टर फाइनल में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जहां पेनल्टी शूटआउट से इस मैच का फैसला निकला। क्योंकि मैच की शुरुआत से ही दोनों ही टीमों के डिफेंस ने इतना तगड़ा गेम दिखाया कि पूरे 90 मिनटों तक किसी भी टीम ने एक भी गोल नहीं कर पाई, जहां इसके बाद गेम को एक्स्ट्रा टाइम में ले जाया गया, जहां ब्राजील के स्टार फुटबॉलर जूनियर नेमार ने क्रोशिया के डिफेंस को छकाते हुए ब्राजील के लिए एक ऐसा गोल मारा जिसके बाद पूरे स्टेडियम में नेमार नेमार की आवाज गूंज उठी और सभी को लगा कि ब्राजील ये मैच जीत जाएगा। लेकिन क्रोशिया के तरफ से पेटकोविक ने गोल मारकर बराबरी कर दी और आखिरी में पेनल्टी शूटआउट के बाद क्रोशिया इस मैच को जीत गया। लेकिन इस मैच में जूनियर नेमार ने दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर पेले के रिकॉर्ड को 77 गोल की भी बराबरी कर बैठे और अब तो समय ही बताएगा कि नेमार पेले के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे भी या नहीं। लेकिन आज का मैच दोनों ही टीमों ने बेहद ही अच्छा खेला।